Students, do you have any doubts in unit 4? Or I can move to the discussion of tutorial sheet 4. Okay. In today's lecture, I will discuss the numericals of counters and time delays, which are included in this tutorial sheet. So you will see the question number 10, 11, and 12 are related to the counters and time delays. And the first question is to write a program. So we are going to program. राइट करना नहीं देखा है कि हाउ द प्रोग्राम्स आर रिटन, बट जो प्रोग्राम्स गिवन है उनको उनका टाइम डिले एंड उनके काउंटर्स कैसे चेक करते हैं, ये हम लोगों ने आज स्टडी किया है. माय फोकस इज ऑन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. एंड इन टुडेज लेक्चर आल्सो आई वांट आंसर फ्रॉम यू स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इट इज कैलकुलेट द डिले इन द फॉलोइंग लूप अज्यूमिंग द सिस्टम क्लॉक पीरियड इज 0.33 सेकंड्स. ओके, तो अब यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द डिले, एंड अब आपको डिले कैलकुलेट करना है. द कंप्लीट प्रोग्राम गिवन इज दिस. द फर्स्ट कॉलम इज गिवन विद लेबल. लेबल इज डिले विच इज यूज्ड फॉर दिस जंप ऑपरेशन. देन निमोनिक्स दिए हैं. सेकंड कॉलम में आपको LXI B, 12 FFH एंड देन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आ गए. आफ्टर दैट यू आर गिवन विद टी स्टेट्स के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक इंस्ट्रक्शन को कितने टी स्टेट्स एग्जीक्यूशन के लिए लगेंगे. एंड देन एज पर कि लूप के अंदर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बिकॉज अवर लूप इज रनिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस, यू कैन कैलकुलेट कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल कंटिन्यू. सो वंस यू कैलकुलेट द काउंट ऑफ दिस लूप एंड यू आर ऑलरेडी गिवन विद टी स्टेट्स, यू कैन कैलकुलेट कि how many total t states are required to complete this program. And once you know how many t states are required, you can directly multiply it with 0.33 microseconds to get the overall delay of this program. So in this case, frequency is not given. You are given with the clock period of one cycle, so it is 0.33 microseconds, and rest you all know ki hum log kis tarah se is program ko kare. Isko calculate karna start kariye aap log, and tab tak hum log next question ko bhi discuss kar lete hain, which is question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 का जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, बट आपको कंप्लीट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप कैलकुलेशन कर पाएंगे. तो व्हाट द क्वेश्चन इज, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द फॉलोइंग लूप्स आर एग्जीक्यूटेड. यू कैन सी कि देयर आर थ्री प्रोग्राम्स रिटन हियर. फर्स्ट वन इज दिस प्रोग्राम, फिर सेकेंड प्रोग्राम है, एंड देन थर्ड प्रोग्राम. तो हर एक प्रोग्राम का हमें ये बताना है कि कितने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा. तो हमारा जो लूप है, दिस लूप इज स्टार्टिंग विद दिस ORA एंड अप टू दिस पॉइंट. तो ए पार्ट की सबसे पहले बात करते हैं.
MBI-17H, okay. तो प्रोग्राम हम लोगों को जो गिवन है उसको हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख लेते हैं, MBI-A-17H. ORA. Next instruction is ORA and space accumulator, and from this position the loop starts. Second instruction is RAL, and third one is JNC, and कहाँ jump करना है, it will jump to loop. So first instruction is used to move this 17H to accumulator. So now if we write the content of accumulator, what are the accumulator contents? 17H, and its binary equivalent will be 0001. It will represent 1, and 7 will be represented as 0111. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, देन फिर हम लोग यहाँ से सेकंड इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है. So what first instruction will do? First instruction will do the operation logical OR. So logical OR की अगर हम लोग बात करते हैं तो this logical OR will OR the data of this accumulator with accumulator itself. तो हम क्या करेंगे, हम accumulator का ही data again यहाँ पर लिख लेंगे 0, 1, 1, and 1. Again, this is a data of accumulator, and we will perform OR operation between these two. And OR gate क्या करता है, OR operation में logical OR में क्या होता है कि अगर दोनों डेटाज में से कोई भी एक value 1 है, then the output will be 1. So in this case we will check for OR operation. Bits are 1, 1, it means output will be 1, again 1, again 1. When both bits are 0, then output will be 0. Then it will be 1, 0, 0, and 0. It means ki agar hum same data ka OR operation kar rahe hain, to hamara output kya aayega, again wahi aa jayega jo output previous. This data will not change. And when this instruction is executed, ORAA, the result is then again stored in accumulator. And then next instruction ki baat karte hain, RAL. RAL means rotate accumulator left through carry. So अब यहाँ पर हमें थ्रू कैरी करना है, तो इट मींस कि वी नीड टू नो कि यहाँ पर कैरी की क्या वैल्यू है. सी वाई होगा कैरी, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम कि हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, एंड वी डू नॉट नो कि कैरी की क्या वैल्यू, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है. तो हम देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि यहाँ हम कैरी की क्या वैल्यू लेते हैं. तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी में क्या होता है, द बिट्स आर शिफ्टेड left with one bit
this last bit is shifted to carry, and this carry bit is shifted to the first position. ठीक है, तो यही ऑपरेशन हम परफॉर्म करके नेक्स्ट डेटा लिख देते हैं. तो इस वाली लाइन को हम यहां से रब कर दे रहे हैं. And now I will write the result of RAL instruction. It will be moved to this position. So, हम first position पे लिख लेते हैं X, and second bit हमारी क्या हो जाएगी? This will be the second bit 1, 1, 1, फिर 0, 1, 0, 0. And now the carry flag will have 0 in it. So this is the data which comes after execution of this RAL instruction. Now, what condition will be checked in this line? JNC and then loop. It means jump if no carry is present. And where to jump? Jump to this position where loop is written. So it will check for carry value. And if you see, we are having 0 in carry, and the condition is checking for jump if no carry. So it means there is no carry, and if there is no carry, then jump to this position. So it will jump to this position. Okay. Now. Currently we are having data this, and now again the same loop will be executed. So ye jo loop execute hua hai, ye first time execute hua hai loop. Theek hai, hum counting bhi karte jaye so that ki at the end we will get the count ki how many times the loop is executed. Ab next again same operations perform ho gaye, again we will do or operation with accumulator. So now what accumulator is having? Accumulator is having this data. This 8-bit data is now stored in accumulator. So, ab agar hum second karenge to or operation same isi data ka isi ke saath hoga. And X. ठीक है, हम और ऑपरेशन कर लेते हैं. यहां हम लिख देते हैं कि we are doing or operation. So what will come? X and X का करेंगे तो क्या आएगा? अगर ये 0-0 है तो 0 आएगा, 1-1 है तो 1 आएगा, तो यहां पर X ही आएगा. ठीक है, then 1 and 1 करेंगे, 1 फिर 1 अगेन 1 0 1 0 and 0, and at this time the carry is having 0 in it. Okay, now next instruction will be executed, rotate accumulator left. Again we will move left. RAL ko hum yahan par likh lete hain ki we are executing RAL. What will happen? X ki position ye ho jayegi, and first position pe kya aayega? Ye carry ka data. This data will be shifted here. Now 1 1 1 0 1 0, and this 0 will go to the carry flag. So now carry flag mein ab again kya aa jayegi value? Again here is 0. Coming to the next instruction, JNC loop. Again, it will check if there is no carry. It will jump to this loop, and we can see that there is no carry. It is having 0, so it will again jump to this position. So, ये second time loop run हो गया. ठीक, अब हम third time loop रन करेंगे.
तो जस्ट सी द पैटर्न. अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को इसी समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड. तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो जीरो है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ, जीरो, दिस जीरो केम टू दिस पोजीशन. सेकंड टाइम में क्या हुआ, ये जीरो यहां आया एंड ये जीरो यहां आ गया. इट मींस वी आर जस्ट सी कि अल्टीमेटली दिस जीरो इज गोइंग टू दिस पोजीशन. इट मींस थर्ड टाइम में ये जीरो चला जाएगा कैरी में और अगेन जीरो ही है तो लूप फिर से जंप हो जाएगा. तो ये थर्ड टाइम रन हो गया, ठीक. इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जैसे ही थर्ड टाइम के बाद फोर्थ टाइम पे पहुंचेंगे तो फोर्थ टाइम में क्या होगा, दिस बिट विल गो टू द सी वाई फ्लैग एंड एट दिस टाइम व्हेन जंप इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड देन इट विल चेक कि देयर इज अ कैरी एंड जो कंडीशन यहां लिखी है द कंडीशन इज नाउ फॉल्स और कंडीशन फॉल्स होते ही इट विल नॉट जंप टू दिस पोजीशन, ये लूप से बाहर आ जाएगा. तो इट मींस हमने एक बार रन किया, दो बार रन किया, तीन बार रन किया एंड चार बार, तो टोटल फोर टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, रिप्लाई करिए. यस सर. और भी लोग हैं क्लास में, बाकी लोग भी रिप्लाई दे दीजिए. यस सर. चलिए, अब लग रहा है कि शायद सबको, सब लोग अटेंटिव हैं और समझ में आ रहा सबको, ठीक है. तो फोर टाइम्स लूप रन किया एंड द आंसर इज फोर. और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इतना किया है और समझाने में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, बट आप जब करने लगेंगे तो आप एक ही स्टेप करने के बाद ये चीज, ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है. और जैसे ही आपने एक दो स्टेप्स किए, पैटर्न पता चल गया, तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने टाइम्स लूप चलेगा. और नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप एक एक स्टेप को कर लेंगे तो आप इजिली सारे लूप फाइंड आउट कर लेंगे अगर प्रोग्राम इज स्मॉल, ठीक है. तो फर्स्ट वाला तो हमने आपको बता दिया. अब क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि ये जो सेकंड वाला है इसको आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि कितनी बार लूप रन करेगा? The difference only is this कि RAL और ORA, ये जो ये दोनों instruction थी previous case में, इनकी positions को बस interchange कर दिया गया. पहले RAL operation perform किया जा रहा है, then ORA A operation perform किया जा रहा है. Rest all is same, condition same check हो रही है, jump if no carry, और data भी same है 17H. थोड़ा सा टाइम, फोर टाइम्स ही चलेगा सर, फोर होगा इसमें भी सर. अरे वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, फोर ही आएगा, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं. बिकॉज इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम जो और ऑपरेशन यहाँ पर देख रहे हैं, और ऑपरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. और ऑपरेशन अगर आप नहीं भी परफॉर्म करेंगे तो दिस इंस्ट्रक्शन does not affect carry and does not affect the data of accumulator. आपका जो effect पड़ेगा वो पड़ेगा RAL instruction से. तो आप चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ पर से, अगर आप थोड़ा सा clearly देखेंगे जब हमने operation perform किया था board पे, तो आप देख रहे हैं कि जब जब हमने और operation perform किया है the data of accumulator remains same.
ये इंस्ट्रक्शन आप एक तरह से कह सकते हैं यूजलेस है, इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ टाइम डिले इन दिस प्रोग्राम ओनली, नथिंग एल्स. ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन अब चेंज है, इसमें इंस्ट्रक्शंस चेंज है. सी पार्ट का, सी पार्ट का आंसर बताइए. द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो इनिशियली दिस इमीडिएट डेटा 1000 इज मूव टू रजिस्टर बी एंड देन DCXB is being used. NOP and JNZ. तो DCX instruction का work क्या है? इंस्ट्रक्शंस रिकॉल करिए आप लोग, बताइए डीसीएक्स क्या करती है. इंस्ट्रक्शन मॉर्निंग में भी हम लोगों ने स्टडी किया है. सर रजिस्टर पेयर में डिक्रीमेंट करती है. बिल्कुल करेक्ट. डीसीआर एंड डीसीएक्स ये डिक्रीमेंट के लिए यूज होती है. DCR 8 bit register के लिए, DCX 16 bit. तो ये decrement हो रहा है यहाँ पे. And then next instruction की बात करेंगे. NOP, NOP का क्या task है? No operation. No operation, very good Ismail. फिर उसके बाद सर jump not zero, मतलब अगर zero नहीं होगा तो फिर जाना, मतलब loop चलेगा. तो result. रिजल्ट इज नॉट जीरो, तो ये यहाँ पर जंप कर देगा. तो रिजल्ट नॉट जीरो के केस में आप एक्यूमुलेटर के, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स भी देख सकते हैं. एंड अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो दिस कंडीशन विल चेक द जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग सेट है या नहीं सेट है. बट आप क्योंकि हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो हम लोग जैसे इसका कंटेंट चेक करेंगे कि रिजल्ट के बाद क्या कंटेंट्स हैं, तो वो चेक करेंगे यहाँ पर. सर 10 टाइम्स रन होगा? नहीं, आप तो किसको सॉल्व करिए, हम तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं.
स्टूडेंट्स अटेंडेंस ले लीजिएगा. रोल नंबर 58 प्रेजेंट सर. 59 प्रेजेंट सर. 60 यस सर. 61 सर. 62 टेन सर. 63 प्रेजेंट सर. 64 प्रेजेंट सर. 65 यस सर. 66 67 68 यस सर. 69 प्रेजेंट सर. 70 प्रेजेंट सर. जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट. Present sir. 72 Present sir. 73 Present sir. एक मिनट होल्ड करिएगा स्टूडेंट्स. Okay, roll number 74. Present sir. 75. Present sir. 76. Yes sir. 77. 78. 79. Present sir. 80. Present sir. 81 Present sir. 82 Present sir. 82 hai. Present sir. Okay. 83 84 Present sir. Present sir. 85 Yes sir. 86 किसी का अटेंडेंस मिस तो नहीं हुई है? चलो एक बार अब्सेंटिंग रिकॉल कर दीजिए. तुम्हारी लगी 83 77 78 और 86 तीन लोग एब्सेंट हैं. ओके अब बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है. किसी ने आंसर कैलकुलेट किया इसका कितना आ रहा है? सर 10 टाइम्स. नो 10 कैसे कैलकुलेट किया है सर? इसमें सर 00 एच हमारा ई में जाएगा और 10 एच हमारा बी में जाएगा. बी एंड सी में जाएगा ठीक है, ई में नहीं.
फिर सर वो बी वाला डिक्रीमेंट करेगा 10h फिर वो 09 बी वाला नहीं डिक्रीमेंट होगा। देखिए डिक्रीमेंट डीसीएक्स इंस्ट्रक्शन जो है रजिस्टर पेयर के लिए यूज होती है, तो रजिस्टर पेयर का ही डेटा डिक्रीमेंट होगा। आप इंस्ट्रक्शन रिकॉल करिए, उसको फिर से चेक करिएगा। ये जो है हम लोग जब 8 बिट का डिक्रीमेंट यूज करते हैं 8 बिट रजिस्टर के लिए, तो हम लोग डीसीआर यूज करते हैं और डीसीएक्स स्पेशली रजिस्टर पेयर के लिए। ठीक है मैम जी? यस सर। एंड वन मोर थिंग कि काउंटर को हम इस तरह से काउंटिंग इसकी नहीं दिखाते। हमने मॉर्निंग के क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे कि एक मिनट, काउंटर एंड टाइम टू दिस। ठीक, इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। हाँ, इनिशियली जब हम यहाँ पर जैसे देखिए FFH था रजिस्टर सी में और हम टाइम डिले कैलकुलेट कर रहे थे, तो FFH में हम डिक्रीमेंट यहाँ पर भी कर रहे हैं। देखिए हम DCR यूज कर रहे हैं 8 बिट के लिए, हमने डिक्रीमेंट किया। ठीक है, और ये लूप चल रहा है। तो ये काउंटर जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम FFH जैसे जो भी डेटा है इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हमें काउंटर मिलता है। ठीक है, हम डायरेक्टली जैसे FFH है 10 है या कुछ भी व्हाटएवर भी इज रिटन, हम उसमें माइनस करके, हम एक एक बिट को माइनस करके उसको एज अ डेसिमल नहीं ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज F का मतलब है कि 15-1 हो रहा है। ठीक है, तो हम 10 को 10 नहीं ले सकते हैं एज अ डेसिमल, वो हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हमें हम हेक्साडेसिमल में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई हम इसको क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसके बाद फिर हम इसमें जो है बाकी के ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने साइकल्स ये काउंट कर रहा है, कितनी बार ये लूप रन करेगा। So this is the way how we calculate timer. तो इसको आप लोग करिए, थोड़ा सा टाइम तो है लेक्चर में, अभी कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर आप इसको घर पे इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करिए एंड इसका आंसर फिर कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। और किसी इंस्ट्रक्शन का कोई डाउट हो तो पूछिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 का सी, ये दो क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए करने के लिए, इनके आंसर्स आप लोगों को बताने हैं। रेस्ट तो बाकी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं, प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 7, 8, 9 का भी सोल्यूशन हम लोग लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लेते ये प्रोग्राम्स एंड ये प्रोग्राम्स जो है दिए हैं हमने, ये प्रोग्राम्स अनसॉल्वड क्वेश्चन है इसलिए इनका सोल्यूशन हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि इनका सोल्यूशन बुक में नहीं है, बाकी के प्रोग्राम्स का सोल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा। हेलो सर। यस सर, इस बार जो हम लोग का क्विज 2 होगा सर, उसमें 80
86 के वो आएंगे कि 8085 के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सर 8085 क्योंकि पहला वाला जो था वो फर्स्ट यूनिट से ही प्योरली फर्स्ट यूनिट से दिया था, लेकिन बिकॉज हमने 8085 को ही बेस मान करके किया था इसलिए उसमें 8085 के क्वेश्चंस थे कुछ, लेकिन जो सेकंड क्विज है वो सेकंड यूनिट से ही हमने दिया है तो उसमें प्योरली 8085 के ही होंगे क्वेश्चंस। तो आप 8085 ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो चीज हमने जैसे एड्रेसिंग मोड फर्स्ट यूनिट में कवर कर ली थी तो एड्रेसिंग मोड आपको यहाँ पर भी स्टडी करने पड़ेंगे। तो सिलेबस वाइज चलिएगा सेकंड यूनिट के, सिलेबस क्या है सेकंड यूनिट का उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। मंडे है ना, नेक्स्ट मंडे? नहीं सर, नेक्स्ट फ्राइडे होगा सर, इस बार अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का है मंडे को। नहीं इस बार नहीं, नेक्स्ट मंडे आई थिंक है। यस सर, यस सर, नेक्स्ट मंडे। हाँ 12 नेक्स्ट मंडे है, 5th है फिर 12th को है, नेक्स्ट मंडे है। ठीक है, प्रिपरेशन करिए, मार्क्स आप लोगों के ठीक आ रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। एंड इसको सॉल्व जब करिए इसको तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से फंक्शन कर रही है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। अब जब इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो GCX-B का ये स्टडी कर लीजिएगा कि हाउ दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, तब इसको सॉल्व करिएगा। और इसका सोल्यूशन हम अभी जानबूझ के नहीं शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है अपना दिमाग खर्च करिए कि आप लोगों को इसका सलूशन मिल सके। और कहीं कोई डाउट हो रहा है कुछ अभी लग रहा है तो अभी हमसे ऐसे ही पूछ लीजिए, अभी हम ऐसे बता देंगे, आंसर बस नहीं शेयर करेंगे, बाकी जो कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हम दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।